नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक टेस्टी सा एक रेसिपी है, जिसका नाम है मटन मुसल्लम, जिसे हमने रेस्टोरेंट में तो काफ़ी बार खाया है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि इसे हम बिल्कुल उसी तरीके से घर में भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज मटन मुसल्लम किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने मटन को अच्छे तरीके से धो के उसको ड्राई कर लिया है, पानी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा ड्राई कर लेना है हमें इसमें। मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन में 200 ग्राम दही यूज़ किया है। अब हम इसमें 3 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 4 हम इलायची यूज़ करेंगे, 4 लौंग ऐड करेंगे, 1 हम दालचीनी का स्टिक यूज करेंगे मीडियम साइज का, और कुछ काली मिर्च यूज करेंगे यहाँ पर। अब हम कुछ पाउडर मसाले यहाँ पर ऐड करेंगे, करीबन 1 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे जो कि घर में ही बना है, थोड़े से जीरा, धनिया, इलायची, दालचीनी, फिर जायफल, जायत्री, इसे हमने थोड़ा सा रोस्ट करके पीस लिया है, उसी को हम इसमें ऐड करेंगे। नमक हम इसमें स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर यूज करेंगे। अब हमने इसमें अदरक का 4 टीस्पून अदरक का जूस हमने इसमें ऐड किया है, और 4 टीस्पून हमने इसमें लहसुन का जूस यूज किया है, पेस्ट यूज नहीं किया है, उसका जूस हमने निकाल के इसमें यूज किया है, और 2 मीडियम साइज के प्याज को हमने बहुत बारीक पेस्ट नहीं किया है, थोड़ा सा उसको उसमें खुदरापन रखा है, वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। 4 यहाँ पर हम तेज पत्ता यूज करेंगे, और यहाँ पर हम करीबन 2 से 3 टीस्पून घी ऐड कर लेंगे। अब हम हाथों के सहारे इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। ये देखिए, इसे इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर देंगे। तेल ऐड करके इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा हम इसको हिला देंगे, जस्ट तेल जो है वो चारों तरफ फैल जाए, और इसे हम करीबन 3 घंटे के लिए ढक के इसी तरीके से मैरिनेट किया हुआ ही रख देंगे। आप इसे चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि मटन जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, इसीलिए हमें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बाहर ही रखिए 3 घंटे के लिए। देखिए 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इस हांडी से निकाल के जिस पैन में मैं इसे बनाऊंगी उसमें मैं इसे ऐड कर लूंगी। ये देखिए, मैं इस कढ़ाई में पैन में बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको हांडी से निकाल के इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, जो कि तीखा नहीं है, कलर के लिए मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करके मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पैन को गैस को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद हम इसमें 1/2 लीटर पानी ऐड करेंगे। 1/2 लीटर पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जिससे कि हम इसे अब ढक के पकाएंगे 1 घंटे के लिए, तो ये कहीं जल ना जाए नीचे से, इसलिए हम इसमें 1/2 लीटर पानी जो है वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करके अच्छे तरीके से ढक देंगे, करीबन 1 घंटे के लिए हम इसे ढक देंगे। देखिए इस तरीके से हम 1 घंटे के लिए ढक देंगे, और ये जो आप छोटा सा नॉब देख रहे हैं, यहाँ पर हमें गैस जो है इसके अंदर का निकल ना जाए, इसलिए हम इसके ये जो नॉब है इसके अंदर एक लॉन्ग ऐड दे देंगे, जिससे कि गैस जो है वो बाहर ना निकल पाए। देखिए इस तरीके से हमने लॉन्ग को यहाँ पर रख दिया है, जिससे कि इसका जो गैस है ये बाहर ना, वेपर जो है ये बाहर ना आ पाए,
और ये अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ्ट हो जाए अंदर से मटन और बिल्कुल बढ़िया से पक के रेडी हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ अब मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अब देखिए एक घंटे बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अपने स्वाद अनुसार आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस अनुसार आप हरी मिर्च को बीच से जो थोड़ा सा चीरा लगा लीजिएगा, लगा के इसमें ऐड करने के बाद इसको गैस को ऑफ करके ही ढक दीजिए। इसका जो, इससे क्या होगा, ये हरी मिर्च का जो अपना सा एक एरोमा है वो पूरे मटन में जो है वो फैल जाएगा और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और ढक्कन से वो लॉन्ग मत हटाइएगा, क्योंकि ये जो हरी मिर्च आप देख रहे हो इसको मैंने बीच से कट कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से ढक दूंगी, ढक के ही मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। ये बिल्कुल